oh my god, today your birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह का बर्थडे स्टेटस किस तरह बना सकते हो अपने कैपकट में। तो सबसे पहले आपको कैपकट ओपन कर लेना है, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट में चले जाना है। यहाँ से आप ने मैं आपको कुछ मटेरियल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आपने डाउनलोड कर लेना है और यहाँ से वो वाली वीडियो आपने उठा लेनी है। तो सबसे पहले आपने ये वाली वीडियो ले लेनी है। तो पहले मैं इसका वॉल्यूम ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि इससे मुझे कॉपीराइट भी आ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसका वॉल्यूम ऑफ कर लिया है। बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने एक्सट्रैक्ट पे ऑडियो पे चले जाना है और इसका ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इसे थोड़ा बड़ा कर लेना है और यहाँ पर आगे जाके आपने यहाँ पर कट लगा लेना है और आगे वाला जो पोर्शन है वो आपने डिलीट कर देना है और इसको भी डिलीट कर देना है और जो एंडिंग है उसको आपने डिलीट कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर आपको जो है अपनी फ़ोटोज़ ऐड करनी है। तो आपने प्लस पे चल जाना है, फ़ोटोज़ पे जाना ले जाना है। यहाँ से आपने अपनी मर्ज़ी की फ़ोटोज़ उठा लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी सारी फ़ोटोज़ उठा ली है यहाँ से। और फिर अभी आपने यहाँ पर इधर बीट्स लगानी है, वो आप कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपने मैच आउट पे चले जाना है और यहाँ पर आप खुद से भी बीट लगा सकते हैं। पर आपको मैं रिकमेंड करूँगा पहले आप ऑटो जनरेट कर लें, फिर उसके बाद जहाँ जहाँ आपको लगता है ऑटो जनरेट में बीट नहीं लगी तो वहाँ पर आप लगा लें। तो पहले हम लोग ऑटो जनरेट करके यहाँ पर बीट लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटो जनरेट ने यहाँ पर हमारी वीडियो पर जहाँ जहाँ बीट लगनी थी वहाँ पर बीट लगा दी है। ये बीट लगाने का ये फ़ायदा है कि यहाँ से हमें बहुत अच्छा अंदाज़ा हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर इसने बीट नहीं लगाई, तो यहाँ पर आप टू भी कर सकते हैं। और यहाँ पर टू तो हम करने वाले नहीं क्योंकि हमें हमारे पास इतनी फ़ोटोज़ तो है नहीं। तो आप वन पे करके जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपकी बीट लगनी चाहिए वहाँ पर आपने बीट लगा लेनी है कुछ इस तरह से जैसे मैं लगा। तो जहाँ पर भी आपको वॉल्यूम हाई लगता है कि यहाँ पर वॉल्यूम हाई है तो वहाँ पर आपने बीट लगा लेनी है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं एक लगा लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपने बीट्स के हिसाब से अपनी फ़ोटोज़ को कर लिया है। तो यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊँगा अभी आपने नेक्स्ट क्या करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो फोटोज बच जाए आपने उन्हें डिलीट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फोटोज बच गई है मैंने उन सबको डिलीट कर लिया। तो अभी यहाँ पर आपने इन पे एनिमेशन लगाने हैं। वो कैसे, आपने एनिमेशन में चले जाना है, बाद कॉम्बो में चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपने सबसे पहले सेकंड नंबर का एनिमेशन लगाना है, उसके बाद दूसरे पे पेंडोलियम मर्न, फिर तीसरे पे पेंडोलियम टू लगाना है। औरों पे आपने एनिमेशन नहीं लगाना। फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपने इन पे एनिमेशन लगाने, औरों पे नहीं लगाना वरना आपकी वीडियो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर एक PNG ऐड करनी है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। यहाँ से मैंने वो PNG उठा लिया, अब मैं इसको सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर पहले मैं इसको अभी पे अपनी पूरी वीडियो पर ले आता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे अपनी पूरी वीडियो पर ले आया हूँ और इसको मैंने सेट भी कर लिया। अभी आपको यहाँ पर एक ग्लोविंग वाला ब्लैक इफेक्ट लगाना है। यहाँ पर उसके लिए आपको एड ओवरलैप पे चले जाना है, वीडियोस पे चले जाना है और यहाँ से आपने वो ग्लोविंग वाला इफेक्ट उठा लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे उठा लिया और यहाँ से आपने इसे आगे का पार्ट इसका कट कर लेना है और डिलीट कर लेना है। और यहाँ पर मैंने इसको लगाया तो सही है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी आपने इसे टू फिंगर से बड़ा कर लेना है, बड़ा कर लेता हूँ टू फिंगर से। और अब यहाँ पर आपको स्प्लिट पे चले जाना है और यहाँ पर लाइटन पे चले जाना है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि आपकी वीडियो बन गई है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।